Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से 2017 और फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद मानो कि बाहुबलियों पर, माफियाओं पर और तमाम जो इस तरीके की चीजें करते हैं उन पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन आए दिन उन पर आरोप भी लगता है कि तमाम पार्टी के नेता हैं, तमाम कास्ट के नेता हैं, तमाम जाति के नेता हैं, लेकिन मुस्लिमों के पीछे जो योगी आदित्यनाथ हैं आखिरकार वो क्यों पड़े रहते हैं और इसके पीछे भी कई वजहें हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना एक वजूद, अपना एक रसूख रखने वाले आजम खान का क्या हाल हो चुका है। आजम खान रामपुर के कई दफा विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और अखिलेश यादव के राज में दूसरे नंबर के नेता के तौर पर आजम खान को जाना जाता था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है आजम खान किसी लायक नहीं है। किसी लायक मेरा कहने का मतलब राजनीतिक तौर पर है, क्योंकि वो सांसद बने थे, सांसद की कुर्सी उनके पास थी, लेकिन वो सांसदी छोड़कर विधायक बने और सांसदी चली गई और वहां पर उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। इसके अलावा एक मामले में सजा हुई तो आजम खान की कुर्सी चली गई और वहां पर जब चुनाव हुआ तो वहां पर भी आजम खान हार गए। इसके अलावा उनके बड़े बेटे जो कि अब्दुल्ला आजम हैं, उनकी भी कुर्सी चली गई है और उनको भी एक मामले में 2 साल की सजा हो गई है। तो वहीं तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है वो भी अब चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। यानी कि उनका पारिवारिक तौर पर अब कोई भी राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी ऐसे पोस्ट पर नहीं है कि वो राजनीतिक तौर पर अपनी चीजों को लोगों के सामने पेश कर सके और उनका करियर जो है वो कहीं ना कहीं ढलान पर है। तो वहीं दूसरा नाम बाहुबली माफिया के तौर पर जाने जाने वाला अतीक अहमद है। अतीक अहमद कई दफा विधायक, सांसद, उसका भाई अशरफ जो कि विधायक रह चुका था, उन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्नी फरार चल रही है, चुनाव लड़ने वाली थी लेकिन बीच में उमेश पाल हत्याकांड हो गया। बेटे दोनों जेल में हैं, दो बेटे वार्डन में हैं जिसमें कि बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। एक बेटा का अभी इनकाउंटर हुआ था। तो अतीक अहमद का, जिसका सियासी वजूद बोलता था, उसका भी सियासी करियर खत्म हो गया। और अब तीसरा नाम मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी के बारे में पता होगा कि मुख्तार अंसारी हालांकि भले ही विधायक नहीं है लेकिन अब वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि उनको कई सारे मामलों में सजा हो चुकी है और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। कई दफा वो भी विधायक रह चुके हैं। तो उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी भी कई दफा विधायक, कई दफा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा होने के बाद अब उनकी भी कुर्सी चली गई है। तो वहीं उनके बड़े बेटे भले ही विधायक हैं लेकिन अब जेल में चले गए हैं और योगी सरकार में मुझे लगता है कि जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छोटा बेटा उमर फरार चल रहा है, पत्नी अफंसा अंसारी भी फरार चल रही है। तो इनका भी कहा जाए तो सियासी तौर पर, जो ग्राउंड तौर पर सियासत है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आरोप भी लगता है योगी आदित्यनाथ पर कि मुस्लिमों का बुरा हाल जो है योगी आदित्यनाथ ने कर रखा है। बाकी इन सारों को लेकर जिस तरीके से इनकी राजनीतिक रसूख खत्म हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।